नमस्कार दोस्तों, मम्मा किचन में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं बनाने जा रही हूँ म्योनी सैंडविच। जैसे कि हम लोग जानते हैं, बच्चों को सब्जियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, तो हम इस सैंडविच के थ्रू बच्चों को सब्जियाँ खिला सकते हैं। ये बनने में बहुत आसान होती है और खाने में तो बहुत टेस्टी होती है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। म्योनी सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए एक चॉप किया हुआ कैप्सिकम, दो चॉप की हुई गाजर, एक चॉप किया हुआ खीरा, एक चॉप किया हुआ टमाटर, थोड़ी सी मटर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, 4-5 टेबलस्पून मेयोनी और सबसे मेन हमने ली है 4 ब्रेड स्लाइस। ये हमने बाउल ले लिया है, अब हम अपना पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले कैप्सिकम, गाजर, खीरा, टमाटर, मटर, मेयोनी 4-5 टेबलस्पून और जितनी आपको लगे चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। नमक, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कमती बढ़ती भी कर सकते हैं आप। ब्लैक पेपर, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हमारा सैंडविच रेडी करने का टाइम आ गया है। हमने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है। सबसे पहले हम केचप लगाएंगे। बच्चों को केचप ज्यादा पसंद होता है, तो मैं केचप लगा रही हूँ। आप ग्रीन चटनी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम दूसरा स्लाइस लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपको अपना सैंडविच स्पाइसी बनाना है तो आप ये यूज करें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। मुझे अपना सैंडविच स्पाइसी बनाना है तो मैं ये यूज कर रही हूँ। ये ऑरिगेनो है, अब चिली फ्लेक्स। रेडी हो गया। अब हम अपना दूसरा स्लाइस कवर कर देंगे। अब हम चाहे तो इसको टोस्ट कर सकते हैं, चाहे इसको ग्रिल कर सकते हैं, या फिर पैन में बटर के थ्रू बना सकते हैं। हमारे दोनों सैंडविच रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको एक टोस्ट करके दिखाऊंगी और एक पैन में बटर के साथ सेक कर दिखाऊंगी। कर लेंगे, गैस ऑन हो गया है। पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे, आप बटर यूज कर सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यू ना हो तो। अपना ब्रेड रखेंगे, अभी अपना मीडियम कर लेंगे और अपना ये सेकना शुरू कर देंगे। साइड से ये सेक गया है, अब दूसरी साइड से सेकेंगे।
अपना गैस मीडियम रखेंगे, बस होने वाला है। चार से पांच मिनट सेकने के बाद हम इसको गोल्डन जब तक ना हो तब तक सेकते रहेंगे, क्योंकि सब्जी अभी पकना बहुत जरूरी है। हमारा सैंडविच रेडी हो गया है, क्योंकि ये दोनों साइड से गोल्डन हो गया। चलिए अब उतार लेते हैं। सेकंड सैंडविच ले लिया है मैं, अब इसको आपको टोस्ट करके दिखाऊंगी। घी लगा लेंगे, अच्छे से घी लगाएंगे, ओपन करेंगे और रख देंगे। अब हम इसको चार पांच मिनट तक टोस्ट करेंगे। सेकने के बाद हम अपना टोस्टर ओपन कर लेंगे। देखिए हमारा सैंडविच रेडी हो गया है, रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डायगोनली कट करेंगे। आप इनको केचप के साथ लीजिए, ग्रीन चटनी के साथ लीजिए, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल कॉस्टलेस है, शेयर करें, फीडबैक देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।